केवल खबरें और कुछ नहीं। टोमचांच प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में मंगलवार को श्री श्री 1008 ग्राम देवी सह हनुमान प्राण प्रतिष्ठा साथ चंडी महायज्ञ को लेकर भव्य पंडाल व मंडप की स्थापना की गई। वहीं दूर दूर से आए साधकों एवं महंत के द्वारा हवन पूजन मंत्रोच्चारण किया गया। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत मुख्य अतिथि विजय सिंह एवं विशिष्ट अतिथि सोनिया देवी मजदूर एटक प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस कलश यात्रा में 551 कन्याएं महिलाएं लाल तथा गेरुआ वस्त्र पहने माथे पर कलश लेकर कतारबद्ध होकर जुलूस में चल रही थी। सर्वप्रथम सभी कलश यात्री चंचाल धाम में नतमस्तक होकर 4 किलोमीटर चलकर सिमरकुंडी नदी के मुहाने उत्तरवाहिनी नदी से जल भरकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर आए। इस दौरान हर हर महादेव तथा बजरंगबली के नारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा गाजे बाजे एवं वीर हनुमान एवं विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक झांकी के साथ निकाली गई। इस 9 दिवसीय महायज्ञ में श्री प्रभुदास जी महाराज, आचार्य भागीरथ पांडे, विनोद पांडे उपाचार्य के अलावा अन्य प्रवक्ता प्रवचन देंगे। वहीं प्रवचन की पूर्णाहूति के बाद रात में बांके बिहारी द्वारा प्रसंगों पर लीला दिखाई जाएगी। वहीं 21 अप्रैल पूर्णाहूति के दिन भंडारा तथा भक्ति जागरण का आयोजन होगा। आयोजक यज्ञ समिति के अध्यक्ष विजय सिंह, सचिव छोटन मेहता, कोषाध्यक्ष भूप नारायण सिंह, यज्ञ संयोजक भागीरथ सिंह, मुखिया सुरेश यादव, विश्वनाथ राय, प्रकाश साव, किशुन सिंह, विष्णु देवी, राजेंद्र साव सहित पूरे ग्रामीण यज्ञ को सफल बनाने में लगी हैं। डोमचांच से संदीप कुमार की रिपोर्ट। यात्रा का शुभारंभ किया गया है। हम लोग इसके लेकर के हम लोग 3 तारीख को ध्वजारोहण कार्यक्रम किए थे और हम लोग एक शांति का प्रतीक किए थे और एक शराबबंदी और गांव में शांतिपूर्ण रहे इसके लेकर के हम लोग हम लोग आज उसी के शुभ अवसर पर आज 9 दिन का जो कार्यक्रम है इसमें से देवी सहनोपाल महायज्ञ को लेकर कल निकाली गई है। हाँ, जो पिता करने संदीपुर के हमारे बीच कृष्णा सिंह और सोनिया देवी द्वारा जो पिता करके जो कलश यात्रा का जो धन्यवाद है और आज हम लोग पहले जाकर और डगरनवा पर जो सिमरकुंडी है वहाँ जल यात्रा उठा करके हम लोग पूरे ग्राम लक्ष्मीपुर भ्रमण करते हुए हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद कल से कार्यक्रम पूजा अर्चना भागीरथ पांडे द्वारा सैनिटाइजर और मास्क का भी व्यवस्था किए हैं और सभी माताओं बहनों को अपील किए हैं कम सैनिटाइजर लगा करके और मास्क लगा करके आप लोग इसको मानने वाले व्यक्ति हम लोग किसी तरह से भी पार्वती कुमारी 501 कलश यात्रा किया गया है। उसको सर्वप्रथम चंचल धाम जाना है और चंचल धाम में माता देखने के बाद वहाँ से सूर्य कुंडी नदी में जल भरना है और जल भरकर फिर ग्राम भ्रमण करके फिर जल मंडप प्रस्तुत सैनिटाइजर वगैरह के सारा व्यवस्था के साथ 5 मीटर की दूरी के साथ सारा तो शवों को क्या मिलता है। यज्ञात भवति परजन्य यज्ञात भवति संभव अन्नात भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ से वर्षा होती है, वह वर्षा से अन्न होता है और अन्न से हम सभी मानव जीवन के लिए जीने के लिए आधार मिलता है, यही यज्ञ है। लगभग 551 कलश जल यात्रा में निकाली गई है और कोविड-19 का सुदृढ़ जो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उस निर्धारण के साथ हम सब मिल करके जल यात्रा में भागी ले रहे हैं और उसमें व्यवस्था वॉलंटियर भी बना हुआ है। अच्छा, कितना दिन का है?
और सभी को ये भी रिमाइंड किया गया है कि ग्रुप टेन में थोड़ा सा डिस्टेंस में रहने की ये सब व्यवस्था किया गया है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।